दाल हर घरों में रोज़ बनता है, लेकिन दोस्तों जो पुराने तरीके के दाल बनते थे जैसे उड़द के, भदैला के, जो ब्लैक दाल होती थी, मिक्स दाल, तो वो धीरे 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 हमारे बच्चे खाना भूल गए हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज अपनी सासू माँ के स्टाइल में दाल बनाना, तो किस तरीके से वो दाल बनाती हैं उसी तरीके से मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए उड़द दाल मैंने लिया है, ये तुअर दाल है, और वहाँ पर चना दाल है, आप मटर दाल भी ले सकते हैं, मतलब तीन भाग में दाल मैंने लिया है तीन तरीके की। अगर मसूर और कोई आपके पास दाल हो तो वो भी मिक्स कर सकते हैं जितना आपने ये लिया है। और फ्रेश घर की पालक है, तो ये पालक वाली उड़द की दाल बन रही है, उड़द मिक्स दाल। तो दोस्तों ये कैसे बनेंगी आइए देखते हैं अपनी सासू माँ के स्टाइल में। तो यहाँ पर दाल मैंने अच्छे से बीन लिया है, ये छिलके वाले दाल हैं उड़द के, आप बिना छिलके वाले भी ले सकते हैं जो मार्केट में मिलते हैं। तो इसको पहले तीन पानी अच्छे से धुलेंगे, और धुलने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने एक अपने जितना मुझे ज़रूरत है उतना मैंने पानी डाल दिया है, तो लगभग मैंने एक लीटर पानी डाला है, और उसमें डाल रही हूँ एक पाव दाल, यानी कि आप समझ सकते हैं आप आपकी फैमिली जैसे हो आप उस तरीके से दाल बना सकते हैं। तो यहाँ पे दाल मैंने गर्म पानी में डाल दिया है धुलकर, अब ये फ्रेश पालक है, तो पालक को चलते हैं काटने, और उसके डंठल निकाल दिया है, सिर्फ पत्ते लिए हैं हम, तो पहले इसको भी तीन पानी से अच्छे से धो लेंगे, और पालक को खड़े रहें तभी धोलना है, काटने के बाद नहीं धोलना है क्योंकि उसमें विटामिन्स होते हैं तो सारे निकल जाएंगे। तो दोस्तों इसको अच्छे से धुलकर और बढ़िया से इसको कट कर देंगे, और कट करने के बाद दोस्तों फिर चलते हैं कुकर की तरफ। यहाँ देखिए दाल मेरी बलक रही है, यानी कि उबाल दे रही है। अब इसमें डालेंगे मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर, आप इसमें ना लहसुन के पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन या तो अमहर का मसाला जो आम होते हैं ना, तो दादी सासू माँ नानी ये सब पुराने लोग, हम भी बनाना चाहते हैं, हम भी बनाते हैं, तो अमहर हो तो ज़रूर से ज़रूर डालिएगा क्योंकि बहुत ही बेस्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे पालक भी मैंने छान छान के डाल रही हूँ कुकर में, और कुकर के अब इसमें कुकर में डालने के बाद अब मैं डालूँगी टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद ना अब इसको कुकर में डालेंगे नमक, और आप इसमें कुछ मत डालिएगा, बस ऐसे आप बंद कर दीजिए सीटी तीन आने तक। तो यहाँ पे नमक डालने के बाद दोस्तों इसको अच्छे से करछी से चला देंगे, और हाँ एक पेस्ट मैंने बनाया है जो कि लहसुन और लहसुन का पत्ती और एक मिर्ची और चुटकी भर जीरे का मैंने पेस्ट बनाया है ग्रीन, तो इसको भी डाल दिया है, बस चलाने के बाद सीटी लगा देंगे। दो सीटी आने के बाद एक सीटी धीमी आंच पे लगाएंगे, उसके बाद दाल निकाल देंगे, क्योंकि ये उड़द के दाल में थोड़ी शंका होती है ना, थोड़ा लेट पकते हैं, तो इनको तीन सीटी लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए मेरा कुकर हो चुका है, सीटी आ चुकी है, और अब कुकर को खोलते हैं, दाल मेरा एकदम अच्छे से हो गया है, अब इसको मैश करेंगे। अगर बढ़िया से आपको मैश चाहिए तो मैश कर दीजिए, खड़े चाहिए तो मत करिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिर मैंने लोखन की कढ़ाई रखी है तड़के के लिए, तो तड़के पैन में भी आप तड़के लगा सकते हैं। तो यहाँ लोखन की कढ़ाई में मैंने डाला है तेल, और तेल डालने के बाद एक पूती लहसुन यानी कि 15-20 जवा लहसुन मैंने डाल दिया है कट करके। उसके बाद मैंने हरा मिर्चा लिया है, लाल मिर्चा भी, और जीरा एक चम्मच। तो हरा मिर्चा को देखिए मैं कट करके और लाल मिर्च साथ में ही डाल रहे हैं, तुरंत जस्ट मैं डालूँगी जीरा उसी पर, ताकि सब अच्छे से साथ में ही पक जाए। लहसुन सबसे पहले ही डालना है क्योंकि लहसुन थोड़ा हार्ड होता है, तो वो आप बहुत स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो मिर्ची पाउडर भी डाल दीजिए, क्योंकि कलर में बहुत ही बेस्ट लगते हैं, बट मेरे बच्चे भी खाएंगे इसीलिए मैं मिर्ची पाउडर नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे दाल बन के रेडी हो गए हैं, अब मैं सर्व कर रही हूँ बाउल में। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी ये पालक उड़द की दाल रेसिपी बताइएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें और क्या डालना चाहिए था, आपके यहाँ कैसे बनता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल नीलू स्वीट किचन पे को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप अपना वोट देंगे तो लाइक करके ही जाना और बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ये तड़के वाली दाल कैसी लगी, कब बना रहे हो। तो अब बुज़ुर्ग लोग तो बहुत ही पसंद करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चे को भी खिलाएं, उनको भी हर तरीके से प्रोटीन भी मिलेगा और साथ में उनको टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो कभी कभी ये दाल बना लेना चाहिए, ये अलग बात है कि बहुत लोगों को नहीं पसंद होता, जैसे हमारे हस्बैंड
हस्बैंड, हमारे हस्बैंड को बिल्कुल नफरत है उड़द दाल या उड़द के कोई भी सामान से, लेकिन मुझे वही पसंद है बहुत, और मेरे बच्चों को भी, मेरे सास ससुर को सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए नीलू स्वीट किचन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।